मेरे जिगर के दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? और आप देख रहे हो अपना पापा यूट्यूब चैनल, तो बात ऐसी तुम्हारे भाई के जैसी। तो गाइस अभी हम शांति निकेतन में आ चुके हैं, तो और यहाँ पर का जो होटल का रेंट बहुत ही ज़्यादा है गाइस। सिर्फ जहाँ पर मैं हम लोग पहले रुके थे उसके बाद, अगर आप पहले वाला वीडियो मैसेंजर करके नहीं देखो तो लिंक ऑपरेशन में जाइए देख लीजिएगा। तो वहाँ पर हम लोग सूरी में रुके थे, वहाँ पर के जैसा वहाँ पर से यहाँ पर का जो रेंट है होटल का बहुत ही ज़्यादा है। तो एक बार आप रूम देख लो। तो गाइस इस रूम का प्राइस है 1400 रुपये, उस जगह से ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। तो शांति निकेतन के कि इस ब्लॉग में मैं आपको शांति निकेतन पूरा एक्सप्लोर करके बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम है आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पूरा कोर जंगल है यहाँ पर, हम सिर्फ दोनों ही यहाँ पर है, पूरा कोर कोई भी यहाँ पर नहीं है। देख सकते हैं गाइस, सिर्फ हम दोनों ही लोग हैं यहाँ पर गाइस। पता नहीं गाइस कहाँ पर चला है। तो गाइस आप यहाँ पर उठ के वहाँ पर से सारा कुछ देख सकते हो। वे भैंस किया गाइस, आपको दिखी दिखी या तो गाइस देख लो गाइस क्या है गाइस, एक बार देख लो गाइस, वो क्या बढ़िया नजारा है गाइस। ओए डियर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना डियर। और गाइस शांति निकेतन में उनका 3 हाउस था, 2 छोटा छोटा करके, पहले वाला आप ये देख सकते हो, दूसरा वाला आपको साइड में दिख रहा है जैसे कि ये देख सकते हो, और तीसरा वाला जो है वो एक महल की तरह दूरी पर आपको दिख रहा है। तो चलिए सामने जगह को दिखा देते हो। तो आप देख सकते हो ये रूम है, और उनका यहाँ पर एक कार भी है, उनका शायद 3 कार था, एक यहाँ पर दूसरा कलकत्ता में था। तो गाइस ये रहा टेगर जी का यूज़ करने का कार, और उनके रूम है जहाँ पर टैगोर जी सोते थे। और गाइस यहाँ पर एक म्यूजियम यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगी रविंद्रनाथ जी का यूज़ करके। बेसिकली इस म्यूजियम में आपको जो बांग्ला बंगाल कंट्री से मिला था उनका एक नाव यूज़ करने के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बेसिकली गाइस इस म्यूजियम में टैगोर जी का यूज़ करने का सब कुछ सामान वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर गाइस कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसलिए सॉरी गाइस मैं शूट नहीं कर पाया।
तो गाइस ये रहा फॉसिल पार्क। यहाँ पर हम लोग बेसिकली आए जो बहुत दिन पहले, यहाँ पर जो 100 दिन का काम करते जो लोग, तो यहाँ पर माटी के नीचे दाब गए थे, काम करते करते माटी जो धस लग गया था, तो इसलिए माटी के नीचे बहुत सारे लोग दब गए थे, तो उसी हिसाब से उनका स्मृति के लिए शायद ये पार्क बन गया है। तो शायद आपको दूरी में जो झील या पॉन्ड शायद है वहाँ पर शायद हो गया था, ऐसे ही हम लोग देखने के लिए आ गए। तो बस ऐसे ही अभी तक अभी सिर्फ बनना स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो अभी भी बन रहा है, एक पुल है बेसिकली, ऐसे सब गार्ड दिया है देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया, अभी ऑफ सीजन था, कोई भी लोग नहीं, और फिर भी यहाँ पर बन रहा है, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो गाइस ये रहा पार्क गेस्ट हाउस का रेस्टोरेंट। और वो रहा हमारा रूम उधर पे। तो गाइस ये हमने लिए है राइस, पनीर एंड दाल। और गाइस यहाँ पर ऐसा नजारा है।